दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही चैनल उषा की किरण में। आज हम बात करेंगे आइशर प्रो 3016 AMT वेरिएंट के बारे में। दोस्तों मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट का मैं पहले रिव्यू बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के हम इस व्हीकल के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों फिलहाल मुझे ज्ञात हुआ है कि इस गाड़ी के ऊपर 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख रुपये तक की छूट चल रही है, तो उस छूट के बारे में जानकारी लेने के लिए आप अपने नियरेस्ट किसी भी आइशर डीलर से संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस गाड़ी के बारे में हम बात करते हैं। 16,200 GVW के अंदर ये गाड़ी आती है। यहाँ पर आपको तीन तरह के व्हील बेस मिलते हैं, 4,490 mm, 5,490 mm और 6,690 mm, यानी कि तीन तरह के व्हील बेस में आपको ये गाड़ी अवेलेबल होती है। और 20 से लेकर के 31.5 यानी 20 फीट, 24 फीट और 31.5 फीट, तीन तरह की बॉडी लेंथ के अंदर आपको ये गाड़ी मिल जाती है। वहीं दोस्तों अगर हम कार्गो बॉडी की चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग आपको 7.6 फीट लगभग इतनी चौड़ी आपको ये कार्गो बॉडी ऑप्शन मिलता है। CBC और FBT दोनों ही ऑप्शंस के अंदर ये गाड़ी अवेलेबल होती है। दोस्तों 280 mm के लगभग ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ में ये गाड़ी आती है, जिससे कि हमें 24.8% की ग्रेडेबिलिटी यहाँ पर आपको मिलने वाली होती है। दोस्तों अगर हम टायर्स के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर 10R 20 inches के 16-ply रेटिंग वाले आपको टायर मिलते हैं। वहीं दोस्तों आपको 190 लीटर से लेकर के 395 लीटर तक का यहाँ पर आपको डीजल टैंक की मिलने की प्रोविजन इस गाड़ी के अंदर होती है। दोस्तों ये जो गाड़ी है आपको केबिन विद चेसिस और केबिन विद लोड बॉडी ऑप्शन, यानी कि दोनों ही प्रकार से आपको लेने का यहाँ पे आपको प्रोविजन मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर दोस्तों जो क्लच का यूज किया गया है वो 362 mm डायमीटर वाली क्लच होती है, जो कि काफ़ी बेहतरीन क्लच मानी जाती है। यहीं पे अगर दोस्तों हम इसके सस्पेंशन के बारे में आपको बताएं तो फ्रंट में आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग विद ARB शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन आपको मिलता है, और रियर साइड में आपको सेमी इलिप्टिकल लीफ सस्पेंशन आपको जो है पीछे की साइड में मिल जाता है। दोस्तों अगर हम इंजन के बारे में देखें तो हमें आइशर का E494 फोर सिलेंडर 4-valve CRS इंजन मिलता है, जो कि वॉल्वो ग्रुप्स के साथ में कोलोबरेटेड होकर के बनाया गया इंजन है, जिससे कि हमें 122 किलोवाट यानी कि 165 हॉर्स पावर का हमें इससे पावर मिलता है लगभग 2600 RPM के आसपास। वहीं दोस्तों इस गाड़ी के केबिन के अंदर आपको मैनुअल टिल्ट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको ज़रूरत है किसी भी प्रकार के इंजन के बारे में इंस्पेक्शन करने की, तो एक व्यक्ति इसको आसानी से टिल्ट कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों 520 न्यूटन मीटर का आपको इससे टॉर्क मिल जाता है। और ट्रांसमिशन के बारे में अगर हम देखें दोस्तों, तो इसके अंदर आइशर ET406 स्पीड जो ट्रांसमिशन है उसका यूज किया गया है। दोस्तों केबिन के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स वाली ये केबिन मिलती है। इवन आपको यहाँ पर इसके अंदर एक स्लीपर केबिन मिल रही है, जिससे कि ड्राइवर के कंफर्ट के ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्लस्टो गायब कर ही दिया गया है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। यहाँ पर ड्राइवर को 6-way डायरेक्शन में एडजस्ट करने के लिए उसका सीट का प्रोविज़न होता है। और केबिन के अंदर जो सीट्स मिल रही हैं फैब्रिक अपोल्स्ट्री के साथ में आती हैं, जो कि अच्छे कुशन और अच्छे थाई सपोर्ट वाली ये सीट्स होती हैं, जो कि ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को काफ़ी कंफर्ट देने का काम करती हैं। रही बात दोस्तों यहाँ पर आपको जो स्टेयरिंग मिलता है वो टिल्ट विद टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ में पावर स्टेयरिंग इस गाड़ी के अंदर मिल रहा है। यहाँ पर दो पेडल मिलते हैं आपको, एक्सीलेटर और ब्रेक, क्लच का पेडल आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। क्रूज कंट्रोल जैसी फैसिलिटी से लैस ये गाड़ी है दोस्तों, और ABS एयर ब्रेक इस तरह की इसके अंदर आपको सारी की सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं। वहीं दोस्तों अगर इसके स्टेयरिंग के आगे हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको डिजिटली काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर शो होती हैं जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं। छोटा सा यहाँ पर आपको एक गियर शिफ्ट लीवर मिलता है, जो कि आपके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को ऑपरेट करने के काम में आता है। यहाँ पे तीन तरह के मोड मिलते हैं, CECO, पावर और मैनुअल और ऑटोमेटेड, इस तरह के कुछ मोड होते हैं इस गाड़ी को चलाने के लिए। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे यूटिलिटी पॉकेट्स भी मिल जाते हैं, लाइक बॉटल होल्डर्स वगैरह, और दो लोगों की साइड में बैठने की व्यवस्था हो जाती है ड्राइवर के साथ में। दोस्तों केबिन काफ़ी सुकून भरा है। यहाँ पर आपको एयर कंडीशन भी लेने के प्रोविज़न ऑप्शनली मिल जाते हैं। पीछे की साइड में आपको जो स्लीपर बर्थ मिलता है वो भी काफ़ी अच्छे फोम वाला स्लीपर जो बर्थ है इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। तो दोस्तों इस तरह के फीचर्स हैं इस गाड़ी के केबिन के अंदर। यहाँ पर आपको ये जो केबिन मिल रहा है ये सेमी सस्पेंडेड आपको केबिन मिल रहा है इसके अंदर। रूम लाइट आपको अच्छी मिलती है, यानी कि काफ़ी पावरफुल है, जिसको आप दो मोड में चला सकते हैं।
और दोनों ही साइड में आपको सनवाइजर वगैरह भी इसके अंदर मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसके माइलेज के बारे में आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये जो गाड़ी है आपको 6 से लेकर के 6.5 किलोमीटर प्रति लीटर का जो माइलेज है आराम से देने में सक्षम ये गाड़ी है। इसको आप ईको और पावर दो तरह के मोड में आप ड्राइविंग सेलेक्ट करके आप गाड़ी को चला सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 24.5 लाख रुपये की इसकी कीमत है 24 फीट वेरिएंट के अंदर, जिसके ऊपर आपको जो छूट बताई है मैंने उसका आप लाभ उठा सकते हैं। उसके बारे में आपको नियरेस्ट किसी भी आईसर डीलर के पास जाकर के ज़्यादा जानकारी लेनी होगी। दोस्तों, आप अगर मेरे और किसी वीडियो को देखना चाहते हैं जो कि आईसर से रिलेटेड है, तो आप मेरी आईसर लवर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसे ज़रूर वॉच करिएगा। दोस्तों, मैं आपको इसकी वारंटी के बारे में बता देता हूँ। स्टैंडर्ड वारंटी आपको 2 साल की मिलती है जो कि व्हीकल के ऊपर मिलती है अनलिमिटेड किलोमीटर्स के लिए, और 4 साल की आपको अनलिमिटेड किलोमीटर्स के लिए जो वारंटी मिलती है वो इंजन और गियरबॉक्स के ऊपर मिल जाती है। वहीं दोस्तों, आप इस वारंटी को एक्सटेंड भी कर सकते हैं 1 ईयर्स के लिए, और फर्दर भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जिंग से लेकर के म्यूजिक सिस्टम वगैरह जैसी कि जैसी सारी की सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, एक छोटे से रिव्यू के अंदर मैंने इसके प्राइस, इसके माइलेज और स्पेसिफिकेशन हर चीज़ के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आगे फर्दर फ्यूचर में अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकूँ। और दोस्तों, अगर आप उषा की किरण चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये था छोटा सा मेरी ओर से आपके लिए आईशर प्रो 3016 AMT व्हीकल का रिव्यू। तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा किसी नए रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा उषा की किरण चैनल से। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, काफ़ी सारे आइशर, टाटा और अशोक लेलैंड के अगर किसी भी व्हीकल के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर आप वॉच करिएगा, जो कि अलग अलग कंपनी के हिसाब से मैंने बनाई हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, कल फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, स्टे हेल्दी।